हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ पिंकी और पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, नर्सरी से हम लोग उस दिन क्या क्या खरीद करके लाए वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, चार कलर के गुलाब हम लोग खरीद करके लाए हैं और चार पैकेट आपके सामने रखे हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, येल्लो कलर पे है, ऑरेंज कलर पे है और मेहरूम पे है, इसी तरीके से वाइट पे है। चार कलर हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, चारों हम लोग नर्सरी से ख़रीद करके लाए हैं। और इसके बाद देखिए, ये हम लोग लेकर के आए हैं गंधराज का। तो ये गंधराज जो है, मतलब इसकी कलियाँ जो हैं अभी बंद हैं। देखिए, देख पा रहे होंगे आप, बहुत सारी कलियाँ इसमें लगी हुई हैं। और इसके बाद देखिए, ये तो हमारी सुपारी के पौधे जो हैं पहले से लगे हुए हैं गमलों में। और अब हम लोग यहाँ पर, मैं आपको बता रही हूँ, दोपहर में लगा दिया है इन्होंने सारे गमले। और देखिए, सुबह जब मैंने आप लोगों को पैकेट में दिखाया था तो ये कलियाँ बंद थी। और अभी देखिए, दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, उस चक्कर में ये पूरे तरीके से खिल गए हैं। और रेड कलर का देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, रियली में बहुत प्यारा लग रहा था, एकदम वेलवेटी था, बहुत अच्छा। और रेड कलर का गुलाब तो किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर। इसके बाद में हम आते हैं वाइट कलर पे। तो ये देखिए, वाइट कलर का भी हमारा रोज़ जो है, पास से मैं दिखाती हूँ, मतलब धूप इतनी ज़्यादा हो गई है ना, इसकी किनार किनार झुलस गई है देखिए, लेकिन बहुत प्यारा है। देखिए कितना प्यारा है, ये वाइट कलर पे है एकदम। और इसके बाद में मैं दिखाती हूँ आपको ऑरेंज कलर का। इसकी देखिए, एक पंखुड़ी नीचे भी गिर गई है, मतलब गर्मी के कारण ना, मतलब खिल गए हैं एकदम। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ये भी किस किस को मेरे रोज़ पसंद आए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको हमारा पिंक कलर, जो कि हमारे घर में ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। ये भी देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, इसकी तो तारीफ करते ही बनता है, इतना प्यारा कलर है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, चारों पांचों गुलाब, पांच कलर के गुलाब एक्चुअली हमारे पास में हो गए हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं लगे हुए गमलों में। और अब हम इसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको कि सब्ज़ी में क्या क्या है हमारे पास में। तो ये देखिए, लग रहे हैं बैंगन के पौधे। तो बैंगन में देखिए, बैंगन भी भरा हुआ है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए भरा हुआ है ना, बैंगन भी लगा हुआ है इसमें, इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए, तो बैंगन भी लगा हुआ है, उधर वाले पौधे में भी लगा है बैंगन, इसमें भी है। और टमाटर भी लगे हुए हैं इस साइड में, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बैंगन, ये लगा हुआ है और इसके साइड में दो टमाटर भी हमारे पक रहे हैं। ये देखिए, मतलब मेरे किचन की जो गार्डन है ना, बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए, ये भी लग रहा है एक बैंगन, तो अभी छोटे छोटे हैं, ये छोटा वाला पौधा ही है। और ये दो टमाटर जो लग रहे हैं, पक गए हैं, हम लोग इनको तोड़ लेते हैं। देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ आपके सामने। मतलब इस तरीके से सब्ज़ी लगी हुई रहती है ना, इसको तोड़ के खाने से ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट इसको देखने में लगता है कि कितनी प्यारी लगी हुई है हमारे साथ में। और इस तरीके की बालकनी में गार्डनिंग आप पक्का कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से घर में छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर लगाइएगा। और अब तो देखिए, वैसे भी कोरोना के टाइम में घर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो ये देखिए, दो टमाटर थे, मैंने तोड़ लिए हैं, अभी कच्चे उसमें लगे हुए हैं और भी। और ये दो टमाटर, इतना ज़्यादा खट्टा है ना ये टमाटर, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, बैंगन के हमारे तीन पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद शाम के टाइम में आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, शाम हो गई है, अभी देखिए इसकी मैंने सुबह दिखाया था आपको, एक भी कली खिली हुई नहीं थी। अभी देखिए, चार मतलब एक ये वाला फूल तो पूरी अच्छी तरीके से खिल गया है। और इसके बाद में देखिए कितना प्यारा है, इतनी प्यारी खुशबू है गंधराज की, अगर आप लोग जानते हो तो। अगरबत्ती इसकी आती है बहुत सुंदर, और वो वाला फूल देखिए ड्राई हो गया है। और ये देखिए, कलियाँ कुछ इस तरीके से खिलती हैं इसकी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं कलियाँ देखने में, एकदम इस तरीके से बहुत अच्छे से खिलती हैं। देखिए, मैं आपको जितना हो सकता है जूम करके अच्छे तरीके से दिखा पा रही हूँ। अगर आप लोगों को भी लगाना है गंधराज का पौधा तो पक्का लगाइएगा। तो ये देखिए, हमारा गंधराज में ये फोर्थ, ये चौथा वाला जो कली है वो भी खिलने लगी है। अभी नाइट में मैं आपको दिखाऊँगी कि ये पूरी तरीके से खिल जाएगा। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और इसकी खुशबू इतनी सुकूनदायक है, मतलब इतनी शांति देती है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, मैंने आपको अपना किचन गार्डन दिखाया। और इसके बाद में यहाँ पर ये बटन रोज़ लगे हुए हैं, इनको भी मैं नाइट में दिखाऊंगी। अभी इसकी कुछ कलियाँ खिलने वाली हैं, तो अभी बस दो ही खिले हैं, तो मैं इनको पास से दिखाती हूँ। अभी बहुत खूबसूरत हैं, कैमरा इनको अच्छे से कैद नहीं कर पा रहा है, बट ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं।
और जब मैं इनको आपको शाम की टाइम दिखाऊंगी ना पानी डालने के बाद में, तो इतने प्यारे दिखेंगे, देखिएगा आप। अभी ये मॉर्निंग में मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये देखिए ये भी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम छोटा कलर, छोटा सा है और रानी पिंक पे है। तो मैं आपको आपको नाइट में मिलती हूँ। तो ये देखिए रात हो गई है और हमारा गंधराज का जो फूल है पूरे तरीके से खिल गया है। तो देखिए किस किस को पसंद आया है इस तरीके के फूल जब घर में लगे हों, और इतनी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही थी, बहुत ज़्यादा, मोगरे से भी ज़्यादा अच्छी खुशबू। जिसने मोगरे की खुशबू सूंघी है ना वो इसको समझ जाएगा, मतलब इतनी प्यारी खुशबू इसमें आ रही थी, बहुत ही अच्छी। और पौधा देखिए देखते ही बन रहा है, इतना वाइट हो गया था एकदम, फूलों में बहुत सारे फूल इसमें निकले हुए थे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि कई सारी कलियाँ जो हैं इसमें निकली हुई हैं, ये देखिए। और फूल देखिए इतना प्यारा खिला है, 3-4 स्टेप में ये फूल खिलता है। तो एक देखिए एक नीचे पंखुड़ी, मतलब कमल के जैसे नीचे खिली हुई है, फिर इसके बाद एक और स्टेप है, फिर इसके बाद बीच में एक है, मतलब इस तरीके से तीन तरीके से खिलता है। देखिए इसमें एक ऊपर है एक फूल, फिर इसके बाद में सेकेंड, और इसके बाद में नीचे, तो इस तरीके से खिलता है ये फूल। और किस किस को मेरा ये वीडियो पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को दिखाइएगा कि गंधराज का पौधा कैसा होता है और इसमें फूल किस तरीके से लगते हैं। और ये देखिएगा कितना प्यारा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था कि देखते ही रहो उसको, इतने अच्छे तरीके से पूरा खिल गया था। और ये जो है फूल गर्मियों के मौसम में ही आता है, और ये हम लोग जब नर्सरी से लेके आए थे तो गमले में लगा हुआ ही लेकर के आए थे इसको। और इसके साइड में जो कप्पा का पौधा लग रहा है, देखिए ये कप्पा है जो ऐसे 5-5 पत्तियां दिख रही हैं, ये कप्पा का पौधा है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं आपको जितना हो सकेगा उतना दिखा रही हूँ, आप लोग मन भर के देख लीजिएगा इसको, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, आप लोग भी पक्का इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और इसकी पत्तियाँ देखिए कितने प्यारे कलर की हैं, और फूल देखिए कितने सुंदर हैं, देखते देखते ही मन भर आया सच्ची में, इतने सुंदर हैं बहुत ज़्यादा ये वाले फ्लावर। और गंधराज का पौधा आप लोग पक्का लगाइएगा, इससे पहले हमारे पास में नहीं था, हम लोग उस दिन नर्सरी से इसको परचेस करके लेकर के आए। और लाने के बाद में, मतलब इस तरीके की फूल वाली चीज़ें जब गार्डन में हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कुछ पत्तियों वाली चीज़ें हों, कुछ फूल वाली चीज़ें हों, तो इस तरीके से हमारे गार्डन में अगर कोई चीज़ हो ना तो मतलब अच्छा लगता है गार्डन में, और बालकनी में बाहर निकल कर के देखो, और मतलब इस तरीके से घर की जो है बालकनी वगैरह इस तरीके से फ्लावर वगैरह लगे हुए हों ना तो बहुत ही सुंदर लगता है। और देखिए मैंने बोला था ना कि बटन रोज़ में भी सुबह, देखिए इसमें 2 रोज़ निकले हुए थे लेकिन अब इसमें 4 हो गए हैं, देखिए तो 2 ये हैं, देखिए 2 उस तरफ में लगे हुए हैं, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। ये नाइट में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि गर्मियों के मौसम में शाम को ही पानी डाला जाता है, तो हम लोगों ने भी शाम को ही डाला है इनमें पानी पौधों में, तो उससे क्या होता है कि ठंडक इनके अंदर बनी रहती है। देखिए छोटी सी गुलाब की कली भी निकल रही है, तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से हमारी जो है किचन गार्डन के साथ साथ में फ्लावर गार्डनिंग भी हो रही है अभी। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा आप, और किस किस को मेरी ये रोज़ सब कुछ पसंद आए। एक चीज़ और दिखाती हूँ जिसको आपने छोटा था तब देखा था, और अभी देखिए वो भी इतना ज़्यादा फ्लावर दे रहा है, बहुत ज़्यादा। और देखिए गर्मियों के मौसम में भी इस तरीके के फूल जब देखने के लिए मिलते हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए।
उसके बाद देखिए हमारे ये छोटे छोटे फ्लावर के पौधे भी फूल देने लगे हैं, ये वाले में देखिए, और ये वाला देखिए रानी पिंक पे लगा है, एक और वो बीच में पिंक शेडिंग है और पर्पल कलर पे है, और ये वाला पौधा तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसमें बीच में ये फ्लावर खिला हुआ है। और ये देखिए ये वाला भी हम लोग आज ख़रीद करके लेके आए, 5-6 पौधे हम लोग ख़रीद करके लेकर के आए थे, एक ये है और ये भी देखिए ग्रीन कलर पे है और कितना प्यारा लग रहा है, ये इंडोर प्लांट है और ये आज ही हम लोगों ने इसमें गमले में इसको शिफ्ट किया है, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है एकदम, और इसकी पत्तियाँ इतनी ज़्यादा हरी है ना, बहुत ज़्यादा, और ये पौधा मुझे देखने से ही पसंद आ गया था तो ये हम लोगों ने ले लिया। और ये देखिए इस तरीके का फूल इसमें निकलता है, मतलब भगवान ने कितनी सुंदर चीज़ बनाई है ना, ग्रीन कलर में एक वाइट फूल। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, बाय।